नमस्कार, आप देख रहे दर्श न्यूज, मैं प्रीति दयाल आपके साथ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बच्चों के परीक्षाओं से जुड़ी बड़ी घोषणा की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के मुताबिक छात्रों के लिए साल में दो बार कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य नहीं होगा। बता दें कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हाल ही में साल में दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की गई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अगस्त में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप स्कूली शिक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम ढांचा लॉन्च किया था, जिसके बाद अब दो बार बोर्ड एग्जाम देना अनिवार्य नहीं होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि छात्रों के पास इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE की तरह साल में दो बार यानी कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में बैठने का विकल्प होगा। वे बेस्ट स्कोर चुन सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से वैकल्पिक होगा, कोई बाध्यता नहीं होगी, क्योंकि छात्र अक्सर यह सोचकर स्ट्रेस ले लेते हैं कि उनका एक साल बर्बाद हो गया, उनका मौका चला गया या वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, इसलिए केवल एक मौके के डर से होने वाले तनाव को कम करने के लिए साल में दो बार बोर्ड एग्जाम का ऑप्शन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी छात्र को लगता है कि वह पूरी तरह से तैयार है और परीक्षा के पहले सेट के स्कोर से संतुष्ट है, तो वह अगली परीक्षा में शामिल न होने का विकल्प चुन सकता है, कुछ भी अनिवार्य नहीं होगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोटा में सरकार और प्रशासन लगातार हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे छात्रों के सुसाइड मामलों पर अंकुश लगा सके। इसी कड़ी में अब नया बदलाव देखने को मिला है। यहाँ छात्र सुसाइड की घटनाओं के बाद ऐसा माहौल बन गया है कि कई पेरेंट्स भी कोटा में आकर अपने बच्चों के साथ रहने लगे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि इस माहौल को देखकर उन्हें डर लगता है। दरअसल कोचिंग हब कहलाने वाले राजस्थान के शहर कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। बीते कुछ सालों से यहां से सफल छात्र भी निकल रहे हैं, लेकिन इसका स्याह पक्ष यह भी है कि इस माहौल से छात्रों के बीच गलाकाट प्रतिस्पर्धा और उससे मिलने वाला परफॉर्मेंस प्रेशर भी उन्हें सता रहा है। यहाँ पूरे देश से स्टूडेंट्स आकर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोटा में इसी साल के इन 9 महीने के छात्रों के सुसाइड के आंकड़े अब स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी डराने लगे हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी जिक्र करते हुए कहा कि कोटा में आए दिन बच्चे आत्महत्याओं को गले लगा रहे हैं। ये सब हमारे बच्चे हैं और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। ऐसे में इनके ऊपर ये स्ट्रेस कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है। बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखना हम सब की जिम्मेदारी है और सभी को बराबरी से इसे उठाना होगा। बता दें कि अगस्त में शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए पाठ्यक्रम ढांचे के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित की जाएंगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों के पास अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर और उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाए रखने का विकल्प मिले। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि साल में दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की योजना पर उन्हें छात्रों से सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिली है। न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क की घोषणा के बाद मैं छात्रों से मिला, उन्होंने इसकी सराहना की और इस विचार से खुश हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2024 से साल में दो बार परीक्षाएं आयोजित की जाए। वहीं अब देखना होगा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस बड़े ऐलान के बाद आखिर जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन पर किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही हम Twitter, Instagram और Facebook पर भी उपलब्ध हैं, तो वहां पर भी जाकर आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं।